आज यह वीडियो कक्षा 10वीं के लिए बनाई जा रही है, जो एनसीईआरटी के बुक से ली गई है। और एनसीईआरटी के बुक से गणित विषय में आज हम प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर 4 आपको बताएंगे। सवाल नंबर 4 बहुत ही मज़ेदार है। सवाल नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप मेरी वीडियोज़ देखें तब तो आप एनसीईआरटी की बुक अपने सामने ओपन कर लें और एक कॉपी रख लें और एक पेन रख लें। जैसा कि आप लोग क्लास अटेंड करते हो, कोचिंग अटेंड करते हो, तो बुक, कॉपी, पेन, ये तीन चीज़ें लेकर ही आप जाते हो। उसी तरीके से आप अपनी मोबाइल क्लास को यदि आप अटेंड करते हैं तो कॉपी, पेन और बुक का उस समय वहाँ पर उपस्थित होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बुक ओपन करेंगे तभी आपको सवाल समझ में आएगा और जब उसको कॉपी में नोट करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम उसको दोहरा पाएंगे। तो प्लीज़ आप किताब ओपन कर लें, मैं सवाल पढ़ के बता दे रहा हूँ, क्योंकि सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। मैं सवाल लिखूंगा नहीं, उसे केवल सॉल्व करूंगा। और यदि आपको क्वेश्चन देखना है तो आप प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर 4 में दो सवाल, दो तीन चार पांच सवाल है, 4 का मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आज। लिखा कि यदि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, लिखा कि छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1,000 छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1,180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य दो चीज़ पूछा है, तो हम इन्हीं दोनों चीज़ों को एक्स मान लेंगे। माना नियत व्यय बराबर ₹100 और प्रतिदिन के भोजन का व्यय, प्रतिदिन के भोजन का व्यय बराबर ₹Y। पहले शर्त से, इसमें दो शर्तें हमेशा मिलेंगी आपको, दो चर के रैखिक समीकरण में हमेशा दो शर्त दिया जाता है। पहले शर्त में क्या है, नियत वाला व्यय तो होगा ही होगा, नियत वाला पैसा देना ही देना है। अब क्या है, एक दिन का व्यय यानी प्रतिदिन के भोजन का व्यय ₹Y, तो वो लड़का कितने दिन भोजन किया पहली बार। लड़का ए जो है वो 20 दिन भोजन किया, एक दिन का ₹Y, तो 20 दिन का ₹20 लगेगा। और ये नियत पैसा है, ये तो उसको देना ही देना है, उसके बाद एक दिन का ₹Y के हिसाब से 20 दिन का हो जाएगा ₹20, यानी दोनों जोड़ के वह कितना रुपया देता है, ₹1,000 देता है। हॉस्टल इंचार्ज को वह ₹1,000 देता है। इस तरीके से हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब क्या होगा, दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से नियत व्यय तो लगना ही लगना है। उसके बाद जो विद्यार्थी बी है वो 26 दिन भोजन करता है, तो यानी ₹20 की जगह पर अब हम लिख देंगे ₹26। और पैसे कितना अदा करता है वो लड़का, ₹1,180 अदा करता है। इस तरीके से हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें बहुत जल्दी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, यानी 1 माइनस 2 से। इसका मतलब हुआ, देखो, एक्स में से एक्स घटाओगे तो खत्म, 20 में से 26 घटाओगे तो कितना होगा, -6y, 20y में से 26y घटा दोगे तो -6y, और 1,000 में से 1,180 घटाओगे तो 180 बचेगा, -180, दोनों पक्षों से माइनस कट गया, 6 जाएगा दाहिने पक्ष में, y बराबर 180/6, 6 3 18 0, यानी y बराबर कितना आ गया, ₹30। डेली का ₹30 भोजन का लग रहा है। अब x का भी मान ज्ञात कर लो, x का मान ज्ञात करने के लिए y का यह मान समीकरण 2 में रख दो, अच्छा है 1 में रख दो, किसी में रखोगे x का मान बड़े आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग y का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण
एक में रखने पर, समीकरण एक को पहले हमें लोग यहाँ लाएंगे, x प्लस 20y बराबर 1000, y का मान कितना रखना 30, तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000, 20 30 का गुणा करेंगे आएगा 600, तो x प्लस 600 बराबर 1000। अब क्या करेंगे, 600 जाएगा दाहिने पक्ष में, यहाँ देख लीजिए x इक्वल टू 1000 माइनस 600, x इक्वल टू 1000 में 600 घटेगा 400, यानी नियत जो खर्चा है वो 400 रुपया है और पर डे का जो खर्चा है वो 30 रुपया है, यानी x का मान 400 आ गया और y का मान आ गया कितना 30 आ गया, नियत खर्चा 400 और पर डे का फिर अलग से 30 रुपया। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से आपको बता दिया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप इस सवाल को वीडियो को पीछे करके अपने सुविधा अनुसार इसको नोट कर लें, अपनी कॉपी में एक कॉपी बना लें, कॉपी पर डेली का डेली आप नोट करते जाएं ताकि फ्यूचर में यदि आपको दोहराना हो तो आप अपनी कॉपी से दोहरा सकें और परीक्षा की तैयारी कर सकें। अगला क्वेश्चन करेंगे अब सवाल नंबर चौथे का दूसरा सवाल है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, यानी एक भिन्न 1/3 हो जाएगी जब उसके अंश से एक घटाया जाएगा। तो भिन्न वाले सवाल को हल करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा, माना भिन्न बराबर x/y, एक्स बटे वाई को भिन्न मानकर इसी के साथ आपको वो सारे शर्त लगाने हैं जो शर्त क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है पहला शर्त, पहला शर्त क्या दिया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि भिन्न यह 1/3 हो जाएगी, यानी यह बराबर 1/3 हो जाएगी कब, जब उसके अंश से एक घटाया जाएगा, यानी इसके अंश से एक घटा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जा रही है 1/3 हो जा रही है। तो 1/3 लिख करके हम तिरछी तिरछा गुणा करके समीकरण बना, 3x-3 बराबर वाई का एक में गुणा करेंगे तो वाई, 3x y बाएं पक्ष में आएगा माइनस वाई बराबर ये -3 दर के +3, समीकरण एक बन के तैयार। दूसरा शर्त क्या है उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। दूसरा शर्त है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, उस भिन्न के हर में यानी x बटे y के हर में 8 अगर जोड़ दिया जाए तो यह 1/4 हो जाती है। अब इसे भी तिरछे तिरछा गुणा करके समीकरण बना लेंगे, 4x बराबर y प्लस 8 करने y प्लस 8, 4x y बाएं पक्ष में आएगा माइनस वाई बराबर 8, समीकरण बन के हो गया 2, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करिए, क्योंकि विलोपन विधि छोटी होती है और इसका आंसर बहुत जल्दी आता है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, देखते हैं कि x और y के पदों में से कौन सा पद एकदम से एकदम दोनों में बराबर है, यदि बराबर है तो अच्छी बात है, नहीं बराबर है तो उसको बराबर करते हैं गुणा करके। तो यहाँ देखिए माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, यदि हम घटाते हैं तो माइनस वाई और ये प्लस वाई बन जाएगा, तब कट जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाइए ऊपर नीचे लिख करके, 3x-y और नीचे 4x-y, ऊपर बराबर 3 है नीचे बराबर 8 है। आप क्या करने जा रहे हैं, घटाने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं घटाने पर, तो 3x में से 4x घटेगा तो -1x, यहाँ का चिन्ह माइनस है, यहाँ का चिन्ह प्लस है, यहाँ का चिन्ह माइनस। अब देख लो माइनस वाई और ये प्लस वाई, क्योंकि पता है ना ये माइनस चिन्ह अब काम नहीं करेगा, ये डिसेबल हो गया, इस वाई का यह चिन्ह मान लिया जाता है,
तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 3 में से 8 क्या करना है, घटाना है, 3 में से 8 जाएगा -5, दोनों ओर का माइनस छोड़ दो, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 5। एक्स का मान 5 हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख दें, इस 2 में ही रख दो, 2 दिखाई दे रहा है आपको, समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 8, 4 गुणे x का मान 5 माइनस वाई बराबर 8, 4 5 20 माइनस वाई बराबर, 4 5 20 माइनस वाई बराबर कितना होगा, 8 होगा, माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 20 हो जाएगा उधर, माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा -12, दोनों ओर का माइनस चिन्ह छोड़ दीजिए, वाई इक्वल टू 12 और x इक्वल टू कितना आया था, 5। अतः आपको ज्ञात क्या करना था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम भिन्न का जो समीकरण शुरू शुरू में माने हो क्या माने, एक्स बटे वाई, एक्स का मान आ गया 5, वाई का मान आ गया 12, यानी 5/12 है, इसका आंसर कितना है, 5/12 है। तो आज इस सवाल में आपने 2 सवाल देखा, आज इस वीडियो के अंदर आपने 2 सवाल देखा, दोनों ही सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप इन दोनों सवालों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, कॉपी बनाएंगे जरूर और उसमें इसको नोट कर लेंगे, और जब जब हमारी वीडियोस देखेंगे तब तक आप अपनी किताब कॉपी और पेन इन तीनों के साथ ही आप वीडियोस देखें, अन्यथा वीडियो रोक दें, जब आप किताब कॉपी पेन के साथ हो तब वीडियो देखें, क्योंकि मेरी वीडियोस कहीं जाने वाली नहीं है, प्लेलिस्ट में हमेशा मिलेंगी। जब भी हमारी वीडियो सर्च करना हो तो लिखिए एम सॉल्यूशन, यूट्यूब के अंदर लिखिए एम सॉल्यूशन और सर्च कीजिए, मेरा फोटो सबसे ऊपर दिखाई देगा, फोटो के ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको दिखेगा होम, उसके बाद दिखेगा वीडियो, उसके बाद दिखेगा प्लेलिस्ट, तो आपको उसके बाद प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना। इस पर जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कर दोगे तो बहुत सारा फोल्डर आएगा, किसी में लिखा रहेगा क्लास 11, क्लास 12, क्लास 10, क्लास 9, तो जिस क्लास में आप हैं वो अपना क्लास चुन लेंगे, उसके बाद उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर की सारी वीडियो आपके क्लास की होंगी और वहाँ से आप अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद।